की बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, आपको बताते हैं बड़ी खबर। अमित जोगी ने जारी किया जनता कांग्रेस का वास्तविक प्रस्ताव, देश में मोदी और प्रदेश में जोगी का दिया नारा। अमित जोगी ने मोदी की नीतियों का समर्थन किया है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप, बदले की राजनीति का आरोप लगाया जनता कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ये जारी किया है जनता कांग्रेस का राजनीतिक प्रस्ताव, देश में मोदी और प्रदेश में जोगी का दिया है नारा। मोदी की नीतियों का समर्थन किया है, 9 बिंदुओं पर राज्य सरकार को घेरा है, बदलाव की बजाय बदले की राजनीति का आरोप लगाया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को बताया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दोस्त। तो मुद्दा कोई भी हो, छत्तीसगढ़ की राजनीति में उसको गर्म होते हुए, उसमें उबाल आते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता, और जब बात जोगी खेमे से निकल के आती है तो कैसे ट्विस्ट उसमें क्रिएट किया जाना चाहिए, ये जोगी खेमे को बखूबी आता है। सुर्खियों में बने रहना या किस तरह से सुर्खियां बनना है, ये जोगी एंड कंपनी को बखूबी आता है। रूपेश गुप्ता जो गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रूपेश, मुद्दा कोई भी हो छत्तीसगढ़ में, उसे भुनाना जोगी एंड कंपनी को बखूबी आता है। एक नया शगुफा छोड़ दिया है अमित जोगी ने। जी हाँ, जाहिर तौर पे जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है कि सुर्खियों में बने रहना आता है, और इसकी वजह अगर जानने की कोशिश करेंगे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने से पहले अजीत जोगी अखिल भारतीय कांग्रेस के एकमात्र राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। तो मीडिया से कैसे सुर्खियां हासिल की जाती हैं, कैसे सुर्खियों में बने रहना है और किस तरह की बात मीडिया में छाती है, ये तमाम चीजें उनको पता है। और कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उनके बेटे अमित जोगी को भी होता है, लिहाजा वो भी इस जो पिता द्वारा अर्जित तरीके हैं, और ये उनकी खूबी मानी जाती है, वाकई में ये खूबी है भी, कि वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि मीडिया को दरअसल क्या चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि रूपेश मीडिया को तो मसाला चाहिए और वो मसाला भरपूर दे रहे हैं जोगी एंड कंपनी, इसलिए नारा दे दिया है कि देश में मोदी और प्रदेश में जोगी। ये तो पहले से, जब मुझे याद है कि नारा तो तब से दे रहे थे जब से तो उसको सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सांप्रदायिक होने का आरोप लगा करके और उसके खिलाफ की लाइन उनकी पार्टी लेती रही है, तो क्या ये माना जाए कि, बड़ा सवाल ये भी उठता है इसमें कि अजीत जोगी ने अपनी लाइन चेंज कर ली है और वो केंद्र में मोदी का समर्थन कर रहे हैं। प्रदेश में जोगी का नारा देने से कुछ नहीं होता है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि उनकी राजनीतिक पार्टी हाशिए पर है, और ठीक इसी वक्त जब ये नारा दे रहे हैं तो आज इस मामले में हाईकोर्ट ने एक जाति के मामले में अहम बात कही है। बिल्कुल, वाकई में रूपेश, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, अगले बुलेटिन में आपसे मुखातिब होंगे और चर्चा हम लगातार इस पे भी करेंगे। और वाकई में, क्योंकि जिस सांप्रदायिकता का आरोप यहाँ पे लगाते आए हैं और जिस तरह से कांग्रेस हमेशा कहती आई है जो की खेमे को भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी, तो लग रहा है कहीं ना कहीं से उसमें भी सच्चाई थोड़ी बहुत दिख रही है। बहुत शुक्रिया रूपेश तमाम जानकारी के लिए।